भारत के खिलाड़ी एक के बाद एक खेल में देश को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और इतिहास के पृष्ठों में अपना नाम दर्ज कर रहे हैं। रविवार को भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने पदक जीत ओलंपिक में महिला खिलाड़ी द्वारा दो बार पदक जीतने का इतिहास रचा था और आज एक बार फिर भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीन बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को क्वार्टर फाइनल में 1-0 से हराकर इतिहास रच दिया। दरअसल भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। भारत के लिए एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। अब सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 4 अगस्त को अर्जेंटीना के साथ होगा। अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारतीय हॉकी टीम भारत पर खुशियों की बौछार कर रही है। भारत का हॉकी में गोल्डन पीरियड लौटता नजर आ रहा है। भारत को लगातार इस इवेंट में 2 दिन में 2 खुशियां मिली। दरअसल रविवार को भारतीय पुरुष टीम हॉकी टीम ने 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराया था और अब महिला टीम ने भी सेमीफाइनल में जगह बनाकर यह खुशी दोगुनी कर दी है। पहले क्वार्टर में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। दोनों ही टीमों ने गोल करने का एक एक मौका गंवा दिया था। मैच के दूसरे ही मिनट में ऑस्ट्रेलिया के फॉरवर्ड खिलाड़ी ने भारतीय गोल पर अटैक किया, हालांकि भारतीय डिफेंडर्स के आगे उनकी नहीं चली। भारत ने खेल के 9वें मिनट में गोल करने का मौका बनाया था, लेकिन रानी रामपाल चूक गई। वंदना कटारिया के पास पर रानी ने स्ट्रोक लिया, लेकिन बॉल गोल पोस्ट में जाकर लगी। भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर में कमाल की हॉकी खेली। तीसरे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया ने शानदार खेल दिखाया। उसे इस क्वार्टर में 2 पेनल्टी कॉर्नर मिले, हालांकि वो गोल करने में नाकाम रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज, जयपुर।